विभागीय आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार निगम ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को न्योचित ठहराते हुए शहर में जाति आधारित बस्तियों, चौकों और सड़कों के नाम बदलने की तत्काल पहल की। महापौर दयाशंकर तिवारी ने आज बताया कि सभी जोनों के अंतर्गत आने वाले नाम यथाशीघ्र बदले जाएंगे। इस संबंध में बुधवार को गांधीबाग अंचल कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में गांधीबाग जोन की चेयरपर्सन श्रद्धा पाठक, दुर्बल घातक समिति की चेयरपर्सन कांता रारोलकर, सरला नायक, विधा कानोरी, जिशान मुमताज, आयशा उइके, पार्षद एडवोकेट संजय बाल पांडे, राजेश घोरपेज, सहायक आयुक्त अशोक पाटिल उपस्थित थे। देश की आजादी की यह 75वीं वर्षगांठ है। देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है और जाति तोड़ो समाज जोड़ो इस संकल्पना को लेकर जो जाति सूचक बस्तियों के नाम है उसे परावर्तित कर उस समाज के श्रेष्ठ लोगों के नाम से उस बस्ती का नामकरण करना, इस दृष्टि से आज इस गांधीबाग जोन में बैठक संपन्न हुई। यह एक संयोग है कि जाति सूचक नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए सभागृह में हमने सबसे पहले चाबहार नाले का नाम बदल करके नॉर्थ कैनल किया था। व्यक्तिगत तौर पर 1997 में मैं चुनाव जीत कर आया था तो तेलंगीपुरा को मैंने कन्नमवार नगर किया था। इस दृष्टि से हम यह काम पहले संक्षिप्त में करते थे। अभी विभागीय आयुक्त महोदया का एक पत्र आया कि सभी बस्तियों के नामों का हमने परावर्तन करना चाहिए, इसलिए जोन के सभी नगर सेवकों की एक बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में हिंदू समाज, मुस्लिम समाज दोनों बिरादरी के साथियों ने मिलकर के अलग अलग दृष्टि से अलग अलग नामों को यहाँ सूचित किया है, जिसमें बहुतांश समाज के संत है, वीर शहीद है, जिनके नाम से बस्तियों का नामकरण किया जा रहा है, जिसकी प्रेरणा समाज को मिलेगी ऐसी अपेक्षा है। और जब जाति सूचक नाम नहीं होगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भी उस दायरे से बाहर निकल करके विचार करेगा, ऐसी हम संकल्पना रखते हैं। माननीय विभागीय आयुक्त की सूचना का पालन करते समय आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, यह महत्वपूर्ण है और देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने में भले ही छोटा सा सही लेकिन महानगर पालिका का यह प्रयास है।